उसे कोई सड़क छाप गुंडा मत समझ सिंघम, वो आपका तूफान है। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले भूल भुलैया 3 मूवी के 3 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और साथ ही बात करेंगे आमरण मूवी की 4 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सिंघम अगेन मूवी की भी 3 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और इन तीनों मूवी में से कौन सी मूवी बाजी मार चुकी है और कौन सी मूवी रह चुकी है पीछे, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। और आप लोगों ने सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 मूवी, इन दोनों मूवी को देख लिया है तो कौन सी मूवी आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग भी डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं भूल भुलैया 3 मूवी के बारे में। इस मूवी ने पहले दिन पर तो रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग ले चुकी थी, लेकिन इस मूवी ने दूसरे दिन पर जिस तरह से उम्मीद की गई थी उससे कहीं ज्यादा की कमाई कर चुकी है और इस मूवी ने पहले दिन पर से भी ज्यादा दूसरे दिन पर कलेक्शन कर चुकी है, जो कि किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ये मूवी दूसरे दिन पर पहले दिन से ज्यादा की कलेक्शन कर सकती है। ऐसा लग रहा था कि ये मूवी पहले दिन पर तो रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग ले चुकी है लेकिन दूसरे दिन पर एक डिसेंट कलेक्शन करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस मूवी ने दूसरे दिन पर पहले दिन से भी ज्यादा कलेक्शन कर चुकी है। आज आ चुकी है संडे और संडे के दिन पर तो एक बड़ी जंप देखने को मिलती है सभी मूवी के कलेक्शन में और इस मूवी के कलेक्शन में भी एक बड़ी जंप देखने को मिल रही है। और आप लोगों ने भूल भुलैया 3 मूवी को देख लिया है तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। देखा जाए तो ज्यादातर ऑडियंस को ये मूवी पसंद आ रही है, इसी वजह से इस मूवी की कलेक्शन रिकॉर्ड तो निकल के आ रही है और बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रही है। अब देखते हैं ये मूवी 2024 की सबसे हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी बन पाती है या फिर नहीं। वैसे भी इस मूवी ने साबित कर दिया इस वीकेंड में कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली है। इस मूवी को क्लैश से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाली है, तो देखते हैं ये मूवी आगे आने वाले दिनों में कितने करोड़ की कमाई कर पाएगी और बॉक्स ऑफिस पर क्या रिकॉर्ड बना पाएगी। कि इस मूवी के स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी और विद्या बालन के साथ माधुरी दीक्षित भी देखने को मिलने वाली है, जहां इस मूवी का बजट 150 करोड़ के आसपास है और ये मूवी अपने बजट से कहीं ज्यादा की कलेक्शन कर लेगी 3 ही दिनों में। अब देखने वाली बात होगी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो जाती या फिर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। लेकिन इस मूवी के वीकेंड की कलेक्शन देखने के बाद ऐसा लग रहा है ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने वाली है और ये मूवी 2024 की सबसे बड़ी हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी बन जाएगी। जबकि इस मूवी के सामने सिंघम अगेन जैसी एक बड़ी मूवी रिलीज हुई है, लेकिन कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है इन दोनों के बीच और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ निकल के आ रही है। इस मूवी की कलेक्शन लाइफ टाइम कहां तक जा पाएगी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर पाएगी। वीकेंड के बाद आती है वर्किंग डे और वर्किंग डे पर किस तरह से कलेक्शन करेगी। अगर ये मूवी वर्किंग डे पर भी अच्छी होल्ड बना के रखती है तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर आसानी से अपने बजट से कहीं ज्यादा की कलेक्शन कर लेगी और ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाए। पर भूल भुलैया 3 मूवी सिंघम अगेन मूवी के साथ क्लैश होने के बाद ऐसा लग रहा था कि सिंघम अगेन मूवी के साथ क्लैश होने के बाद कलेक्शन के मामले में बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर पाएगी ऐसा लग रहा था, लेकिन सभी को इस मूवी ने गलत साबित कर दिया और अभी जो कलेक्शन निकल के आ रही है भूल भुलैया 3 मूवी की, जो कि पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ निकल के आ रही है और देखा जाए तो सिंघम अगेन मूवी के साथ बराबरी की कलेक्शन कर रही है। अब देखते हैं इन दोनों मूवी में से कौन सी मूवी आगे निकल जाती है और कौन सी मूवी रह जाती है। अभी तो चल रही है वीकेंड और वीकेंड में तो अच्छी कलेक्शन सभी मूवी करती है। अब देखते हैं इन दोनों मूवी की कलेक्शन वर्किंग डे पर किस तरह से निकल के आती है और बॉक्स ऑफिस पर क्या रिकॉर्ड बना पाती है। और आप लोगों ने भूल भुलैया 3 मूवी को देख लिया तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस मूवी के पहले दिन की ऑफिशियल कलेक्शन के बारे में। बात कर लेते हैं इस मूवी के पहले दिन की ऑफिशियल कलेक्शन निकल कर आ चुकी है और इस मूवी ने पहले दिन पर टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 35 करोड़ 50 लाख और इस मूवी ने पहले दिन पर इंडिया ग्रोस कलेक्शन कर लिया 42 करोड़ 60 लाख और इस मूवी ने पहले दिन पर ओवरसीज से कलेक्शन कर चुकी है 10 करोड़ 50 लाख और इस मूवी ने पहले दिन पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है 53 करोड़ 10 लाख। और इस मूवी की दूसरे दिन के इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने दूसरे दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 36 करोड़ 50 लाख, जो कि पहले दिन से भी ज्यादा निकल के आ चुकी है। और इस मूवी ने 2 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 72 करोड़ और इस मूवी की तीसरे दिन के जब कलेक्शन निकल के आएगी तो ये मूवी 100 करोड़ से भी ज्यादा की नेट कलेक्शन कर चुकी होगी। आज आ चुकी है संडे और संडे के दिन पर एक बड़ी जंप देखने को मिलने वाली है और आज के दिन पर जिस तरह की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है और जिस तरह से इस मूवी की एडवांस बुकिंग हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन पर यह मूवी एक बड़ी कलेक्शन करने वाली है
और आज के दिन पर यह मूवी लगभग 40 करोड़ के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी। अब देखते हैं ये मूवी आगे आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से कलेक्शन कर पाती है, लेकिन ये मूवी पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ से ज्यादा की नेट कलेक्शन कर चुकी और ये मूवी आगे आने वाले दिनों में आसानी से 300-400 करोड़ की कलेक्शन कर लेगी ऐसा लग रहा है। देखते हैं ये मूवी आगे आने वाले दिनों में लाइफ टाइम कितने करोड़ की कमाई कर पाएगी। तो चलिए आप बात कर लेते हैं आमरण मूवी के 4 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इस मूवी को भी 4 दिन हो चुके हैं रिलीज हुए, जबकि इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था, लेकिन इस मूवी की कलेक्शन देखा जाए तो अपने बजट के हिसाब से अच्छी खासी निकल के आ चुकी है और इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से भी अच्छी रिस्पांस देखने को मिली और यही वजह थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कलेक्शन कर चुकी है इन 4 दिनों में। और आप लोगों ने आमरण मूवी को हिंदी में देख लिया तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे भी ऑडियंस की तरफ से इस मूवी के लिए अच्छी रिस्पांस देखने को मिली है और ये मूवी ऑडियंस को पसंद आ रही है और देखा जाए तो अभी तक इस वीकेंड की एक अच्छी मूवी कहा जा सकता है। देखा जाए तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कलेक्शन भी कर रही है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी होल्ड देखने को मिल रही है, जबकि साउथ की मूवी में ज्यादातर मूवी के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस मूवी के कलेक्शन में अच्छी खासी होल्ड देखने को मिल रही है और इस मूवी के कलेक्शन में बिल्कुल भी ड्रॉप देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में लग रहा है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी रिकॉर्ड बनाने वाली है। तो इस मूवी के स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले शिवा कार्तिकेयन के साथ साई पल्लवी देखने को मिलने वाली है और इस मूवी का बजट लगभग 150 करोड़ के आसपास है और इस मूवी को तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ा के साथ इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया और इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर उतनी खास रिस्पांस तो नहीं मिली, लेकिन इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में अच्छी खासी रिस्पांस देखने को मिली और ये मूवी तमिल लैंग्वेज से अच्छी कलेक्शन कर चुकी है। और देखा जाए तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर आसानी से अपने बजट से ज्यादा की कलेक्शन करने वाली है और इस मूवी ने 2 दिनों में जो कलेक्शन ऑफिशियल निकल के आई है जो की पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ है, जो की इस तरह से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की गई थी, लेकिन इस मूवी ने जो कलेक्शन किया है जो कि पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन है और इस मूवी को बहुत अच्छी रिस्पांस मिली है और ऑडियंस को ये मूवी पसंद आई है। इसी वजह से इस मूवी की कलेक्शन पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ निकल के आई है, जबकि इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया है, लेकिन देखा जाए तो इस मूवी को हिंदी में उतनी खास रिस्पॉन्स नहीं मिली क्योंकि इस मूवी के सामने बड़ी बड़ी मूवी रिलीज हो चुकी है बॉलीवुड में, बोलबुलिया 3 और सिंघम अगेन मूवी जैसी हिंदी में रिलीज हो चुकी है। इसी वजह से इस मूवी को हिंदी में उतनी खास रिस्पांस नहीं मिली, लेकिन ये मूवी तमिल लैंग्वेज में अच्छी खासी कलेक्शन कर चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर आसानी से सुपर हिट भी हो जाएगी। और आप लोगों ने आमरण मूवी को देख लिया तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मूवी के 2 दिनों की टोटल इंडिया नेट कलेक्शन के इस मूवी ने 2 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 40 करोड़ 55 लाख और इस मूवी ने 2 दिनों में इंडिया ग्रोस कलेक्शन कर लिया 46 करोड़ 65 लाख और इस मूवी ने 2 दिनों में ओवरसीज से कलेक्शन कर चुकी है 22 करोड़ और इस मूवी ने 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है 68 करोड़ 65 लाख जो कि एक अच्छी कलेक्शन निकल के आ चुकी है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट भी हो सकती है क्योंकि ये मूवी एक अच्छी मूवी है, क्योंकि इस मूवी को मैंने देखा है और ये मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। इस मूवी ने तीसरे दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 21 करोड़ 75 लाख और इस मूवी ने 3 दिनों में अच्छी होल्ड बना के रखी और इस मूवी ने 3 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 62 करोड़ 30 लाख और इस मूवी की 4थे दिन की कलेक्शन की बात करें आज की कलेक्शन की तो आज के दिन पर जिस तरह की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है और जिस तरह से एडवांस बुकिंग हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन पर यह मूवी लगभग 30 करोड़ के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी है। आमरण मूवी एक बहुत अच्छी मूवी है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप लोग एक बार इस मूवी को हिंदी में जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में और सिंघम अगेन मूवी अभी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है और इस वीकेंड में तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ही चुकी है। देखा जाए तो इस मूवी ने इन 2 दिनों में तो पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर चुकी है, लेकिन आज आ चुकी है संडे और संडे के दिन पर सभी मूवी के कलेक्शन में एक बड़ी जंप देखने को मिलती है, उसी तरह से इस मूवी के कलेक्शन में भी एक बड़ी जंप देखने को मिल रही है। वैसे भी देखा जाए तो इस मूवी ने पहले और दूसरे दिन पर तो पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर चुकी है और आज आ चुकी है संडे और संडे के दिन पर एक बड़ी जंप देखने को मिल रही है इस मूवी के कलेक्शन में और आज के दिन पर पूरी तरह से एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली है। ऐसा लग रहा है इस मूवी की कलेक्शन अपने बजट से कहीं ज्यादा की निकल के आने वाली है, जबकि इस मूवी की बजट भी बड़ी है। ऐसे में देखते हैं ये मूवी वीकेंड में तो अच्छी कलेक्शन कर रही है और वर्किंग डे पर
इस मूवी की किस तरह से कलेक्शन निकल के आएगी ये तो देखने वाली बात होगी, और ऑडियंस की तरफ से भी अच्छी खासी रिस्पांस देखने को मिल रही है इस मूवी के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, सिंघम अगेन मूवी इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी और सबसे ज्यादा हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी बन पाएगी या फिर नहीं? और आप लोगों ने सिंघम अगेन मूवी को देख लिया तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो ऑडियंस की तरफ से अच्छी खासी रिस्पांस दिखने को मिल चुके हैं इस मूवी को, और यही वजह है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कलेक्शन कर रही है। और ये मूवी वर्किंग डे पर जिस तरह से कलेक्शन करके दिखाएगी, अगर अच्छी होल्ड बना के रखती है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर वर्किंग डे पर भी अच्छी कलेक्शन करती है तो ये मूवी आसानी से 700-800 करोड़ की ये मूवी भी कलेक्शन कर सकती है। लेकिन वर्किंग डे पर अगर ये मूवी कलेक्शन ड्रॉप करती है तो इस मूवी की कलेक्शन उतनी खास और उतनी ज्यादा निकल के नहीं आ पाएगी वीकेंड की तरह। अजय देवगन, करीना कपूर, अर्जुन कपूर, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार देखने को मिलने वाले हैं, जबकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि इस मूवी के कलेक्शन में एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब देखते हैं ये मूवी वर्किंग डे पर किस तरह से कलेक्शन करेगी। वैसे तो देखा जाए तो इन 3 दिनों की वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बना चुकी है, जबकि इस मूवी के सामने भूल भुलैया 3 मूवी भी रिलीज हो चुकी है और इन दोनों मूवी के बीच बड़ी क्लैश देखने को मिल रही है। और इन दोनों मूवी के बड़ी क्लैश के बाद भी इन दोनों मूवी की कलेक्शन अच्छी खासी निकल के आ रही है और इन दोनों ही मूवी को पॉजिटिव रिस्पांस मिली है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये मूवी थोड़ी सी पसंद नहीं आई, जो कि रामायण की कॉन्सेप्ट पर जो है वो चीज मुझे पसंद नहीं है। ये बात अलग है कि मुझे ये मूवी पसंद नहीं आई, लेकिन ऑडियंस को ये मूवी ज्यादा पसंद आ रही है। और इस मूवी की कलेक्शन मंडे के दिन से किस तरह से निकल के आती है, अगर इस मूवी की कलेक्शन मंडे के दिन पर भी अच्छी खासी होल्ड बना के रखती है तो बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने से कोई भी नहीं रोक सकती और ये मूवी एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होने वाली है। जहां इस मूवी का बजट 350 करोड़ के आसपास है और इस मूवी के स्टार कास्ट में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन देखते हैं ये मूवी किस तरह से कलेक्शन कर पाती है। सिंघम अगेन मूवी के पहले दिन की कलेक्शन उम्मीदों से कहीं ज्यादा के निकल के आ चुकी है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन पर पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर चुकी है और इस मूवी की पहले दिन की ऑफिशियल कलेक्शन भी निकल कर आ चुकी है। तो मूवी ने पहले दिन पर टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 43 करोड़ 50 लाख, और इस मूवी ने पहले दिन पर इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर लिया 52 करोड़ 20 लाख, और इस मूवी ने पहले दिन पर ओवरसीज से कलेक्शन कर चुकी है 12 करोड़ 30 लाख, और इस मूवी ने पहले दिन पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है 65 करोड़। और इस मूवी की दूसरे दिन के इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने दूसरे दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 41 करोड़ 50 लाख, जबकि इस मूवी ने पहले दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया था 43 करोड़ 50 लाख। और इस मूवी के दूसरे दिन पर कलेक्शन में अच्छी होल्ड देखने को मिली और इस मूवी ने 2 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 85 करोड़। और आज आ चुके संडे और संडे के दिन पर सभी मूवी के कलेक्शन में एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है और इस मूवी के कलेक्शन में भी एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है और इस मूवी ने 3 ही दिनों में 100 करोड़ से ज्यादा की नेट कलेक्शन कर चुकी है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के तीसरे दिन के कलेक्शन की, आज की कलेक्शन की, तो आज के दिन पर जिस तरह की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है और जिस तरह से एडवांस बुकिंग हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन पर यह मूवी लगभग 50 करोड़ के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन भी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी है और ये मूवी आगे आने वाले दिनों में लाइफ टाइम कितने करोड़ की कमाई कर सकती है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोगों ने भूल भुलैया 3, आमरण और सिंघम अगेन इन तीनों मूवी में से कौन सी मूवी को आप लोगों ने देखा है और इन तीनों मूवी में से कौन सी मूवी आप लोगों को ज्यादा अच्छी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग भी डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारे सब वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में।